am sure the enactment of the GST, as I've said earlier, will bring about the best as far as the economic management of this country is concerned in its federal forms. It will empower the states. It will increase the revenue of the states as also of the central government. It will try and dissuade, discourage, and bring down levels of evasion. It would ensure that there is no tax on tax. So the cascading effect of taxes in the value of goods itself is not no longer there. And that could even make some of the products cost less. It would certainly give a boost as far as the economy is concerned, which is required at this very critical stage. It categorically argues on sound data that a rate which is the standard rate, which is based on an implied R&R of 15 to 15.5, a standard rate of 18, will protect the revenues of the center and the states, will be efficient, will be non-inflationary, will avoid tax evasion, and will be acceptable to the people of India. However, if the government doesn't care about inflation, doesn't care about acceptability to the people of India, doesn't care about efficiency, go ahead and charge 24%, charge 26%. But that is defeating the purpose of GST. GST के माध्यम से सभी जिस प्रकार के जो अलग-अलग टैक्स हैं उनको एक व्यवस्था में समाहित करके हम एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही चालान के द्वारा टैक्स का भुगतान और एक ही रिटर्न देने के प्रावधान के कारण पूरे कंप्लायंस के सरलीकरण करने का प्रयास GST के माध्यम से किया गया है। इस GST आने के बाद एक बात मुझे महसूस होती जो लगातार होती कि कम से कम भ्रष्टाचार के लिए ये कई ठिकाने जब बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ये ठिकाने जरा घटेंगे और जब ठिकाने घटेंगे तो निश्चित तौर पर कम होंगे तो भ्रष्टाचार पर बहुत मैं बोलता हूं कि भ्रष्टाचार के जो है वो उस पर कमी आएगी। हलित साहब की राय के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं क्या कहना चाहेंगे। भ्रष्टाचार कम हो गया है या नहीं हो गया तो कह नहीं सकते, लेकिन जो बिल पास किया गया है वो सही है। मतलब सभी राज्यों करते हैं, बेहतर की उम्मीद करते हैं। सर होगा ये सभी को उम्मीद। शुक्रिया आपका। पंकज जी जानना चाहेंगे, एक आम आदमी के जहन में सवाल है, 18% भी ज्यादा लगने लगा है क्योंकि अब तक 15% के आसपास आप दे रहे थे। ऐसे में भ्रष्टाचार पर तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल गरीब है, जिसकी वकालत आप करते हैं, गरीब किसान की पार्टी, उसके लिए क्या होगा? देखिए अश्विनी जी, अभी भी यदि आप टैक्स देखेंगे, टोटल टैक्स देखेंगे, आपको 15% खाली सर्विसेज पर टैक्स नजर आ रहा है। बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सर्विस टैक्स के साथ साथ जो है एक्साइज लग रही हैं, लोकल टैक्सेस लग रहे हैं, कोई किसी पर टैक्सेस पर टैक्सेस हैं, तो वो टैक्सेस मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बेसिकली जो है टैक्सेस 22% 25% से ऊपर भी जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है इनसे कम से कम ये होगा कि उनसे जो है बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जिस तरीके का पूरा जब सैनरी होगा, पूरी पूरी जो टैक्सेस की कॉस्ट है, क्योंकि देखिए जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, जिन चीज़ भी लग रही हैं, उनका जो दोनों चीजें हैं, रिस्क की कॉस्ट और उनकी मैनेजमेंट की कॉस्ट, वो जो है व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स के पर जब कम होंगी तो निश्चित रूप से उसके जो इंपैक्ट होंगे वो बहुत लिटिल इंपैक्ट रह जाएंगे। पंकज जी एक बात को मान लो, नहीं एक सवाल है, खंडेला साहब माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, बिल्कुल एमआरपी पे टैक्स लगेगा और एमआरपी कई जगह 300 जब आप किसी चीज को आप बाजार में रियल रेट का पता नहीं है, किसी का 300 रुपए एमआरपी है, अब वो लोग जो है कोई 100 में दे रहा है, कोई 150 में दे रहा है, कोई 200 में दे रहा है, ये जो सिस्टम था ये सिस्टम अब क्यों खत्म होगा सर? सर लेकिन ये चलिए ये बेहतर तस्वीर हो सकती है। राजेंद्र जैन साहब आपको क्या लगता है बेहतर होगी तस्वीर? राजेंद्र जी नमस्कार। देश का विकास सूचक होगा और अच्छा होगा क्योंकि टैक्स प्रणाली में सुधार किया जा रहा है, अच्छा लगेगा ऐसा लगता है मुझको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कोठारी साहब एक बात समझना चाहूंगा आपके जरिए में। आमतौर पर 1950 के दशक में कहा जाता है कि GST को लेकर फ्रांस ने शुरुआत की, तब इनकम टैक्स के विकल्प के तौर पर इसको देखा गया, लेकिन उसके बाद कई मुल्कों ने जब इसे लागू किया तो वहाँ इनकम टैक्स को कम भी किया गया। हमारे मुल्क में इनकम टैक्स को लेकर बात नहीं होती। दो बजट हम देख चुके हैं वित्त मंत्री जी के, कॉरपोरेट
टैक्स कम होता है, ऐसे में आम आदमी को कैसे भरोसा होगा कि ये जीएसटी कहीं ना कहीं उनकी जेब के लिए मुनाफे का सौदा है? नहीं, उसका जवाब तो ये है कि पिछले आप 25 सालों में और पिछले आप जो दूसरे कंट्री की करें 50 सालों की तस्वीर देखें, ये डेवलपिंग इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसमें आदमी को कुछ नहीं करना पड़ता है, सरकार मनी उधार लेके बांटती है, डेप्ट इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट कर लिया है, तो पैसा तो सरकार ही बांट रही है, कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अल्टीमेटली तो बर्डन आप ही है, तो इसलिए आपके पास जब फ्री का पैसा आ रहा है तो उसमें राहत देने की जो महंगाई बढ़ने वाली चिंता होती है उसमें इनकम टैक्स में कमी करके राहत देने की बात होती है। ऐसा कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जब आप एक हाथ मतलब दोनों हाथ लड्डू रह सके, कोई भी व्यवस्था नहीं सी। मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट ये विनर्स लूजर्स गेम है, कुछ विनर्स रहेंगे कुछ लूजर रहेंगे, तो एक बार क्या 18% का जो पिच है वो कंज्यूमर को एक साथ झटका जरूर देगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे राजीव जी जिस बात का डाउट कर रहे थे कि बढ़ सकता है, इसीलिए बर्डन की बात है कि संविधान के दायरे में लाया जाए, इसे आप चाहे फाइनेंशियल बिल बनाए, कोई सा भी आए संविधान में आए चाहे कैसे आए, कुल मिला के आप मान लो कंज्यूमर पर तो टैक्स लग गया, उसकी शेप को उससे कंज्यूमर को मतलब नहीं है कि ये किस मोड से आया है, कुल मिला के उस पर अगर टैक्स लग गया तो उसको देना पड़ेगा। नहीं कोठारी साहब, इसमें प्रॉब्लम ये है 18% का बैरियर जो ना खत्म होगा तब क्या होगा, ये बात है, और अभी भी क्या है संविधानिक व्यवस्था तो नहीं करी है, तो केवल प्रॉमिस करी है और प्रॉमिस तोड़ने के लिए होती है, ये आप मान के चलो उस समय कुछ मजबूरी हो सकती है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस कम होंगे तो अल्टीमेटली फंड्स पर वजन आएगा, मैंने इसलिए वो बात रखी। एक दो बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात उस समय कैसे रहेंगे, जैसे मैंने आपको जापान का उदाहरण दिया, हालांकि वो इकोनॉमी मतलब ये फायदा उन 100-200 उद्योगपतियों को होगा ज्यादा। सर आप नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के सामने भी नई चुनौती आएगी, जो 140 कंट्री जहां वेट है उनका कंट्री का यहां पे इंपोर्ट का फ्लड बढ़ेगा जी, तो दोनों चीजें होगी, ऐसा नहीं है, ये एक नया कंपटीशन पैदा करेगा इंडस्ट्री में, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर आज की तारीख में उसके सामने एग्जम्पशन लिमिट मान लीजिए 5 करोड़ रखते हैं, तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक नई बाढ़ आएगी, आप वो उनको उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा, चलिए उससे कैसे कॉम्पीट होगा। जाकिर साहब नमस्कार, आपको क्या लगता है? नमस्कार साहब जी, साहब मैं छोटी छोटी तीन बातें कहना चाहूंगा। हाँ जी, कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 65 और 35 का मतलब 65% गरीबी रेखा और मध्यम वर्ग के लोग हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार और काला बाजार जीएसटी नहीं आने से पहले भी था और आज भी होगा। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि एमआरपी, जैसे मैंने टी शर्ट ली उस पर एमआरपी 800 रुपए है और उस पर क्या करेंगे, वो तो खुद का लेबल लगा के टेपता ना, उससे जीएसटी क्या होगी, क्या करेंगे, या कोई भी ब्रांड लेंगे, घी लेंगे या कोई भी बाइक लेंगे तो वो तो कंपनी। चलिए मेरे ख्याल से मानचंद खंडेला साहब, इनसे आपके सवाल का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। खंडेला साहब, ये आम आदमी के सवाल है, इसका रास्ता मिलता नजर नहीं आता। देखिए अब आम आदमी की बात आपने की, अब मैं आम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा 70% जो वस्तुएं होंगी या सेवाएं होंगी वो केवल आम और उससे नीचे वाले आदमी के संबंधित है, यानी उस पर इनडायरेक्टली आप टैक्स लगाएंगे और धनी आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अभी जो कोठारी साहब ने ये कही थी ना, कोठारी साहब एक पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, यानी पिछले 10 वर्षों में 40 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बड़े आदमी को दी गई है और 15 लाख करोड़ रुपए के लोन जो है वो बट्टे खाते लगे हुए हैं, और दूसरी ओर अगर आप जीएसटी लेकर आएंगे तो बेचारा निहार ऐसा है जो व्यक्ति है उस पर आप टैक्स की बर्डन डाल देंगे और जो बड़े लोग हैं वो जना अपने करेंगे। लेकिन यहां जो आपने कहना, अब मैं कह रहा हूं महंगाई बढ़ेगी। जाकिर साहब ने कहा कोई शख्स 200 रुपए की टी शर्ट खरीद कर लाता है, खुद का ठप्पा 800 रुपए का लगा देता है। देखिए सवाल ये उस सूरत में क्या होगा, इसके ऊपर जो है ना जीएसटी का जो है ना कि टेक्निक से हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बढ़ा, ये भ्रष्टाचार रहेगा, महंगाई बढ़ेगी 18% पर, जिस तरह से आप तिलमिला रहे हैं ना कि हम नहीं, ये आगे बढ़ेगा और कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेवाएं हैं हर सेवा पर टैक्स लगेगा। कृष्णा जी आप इंतजार कीजिए, आपके पास भी जी अभी अभी जो एमआरपी का घपला है ना अश्विनी जी कि 200 रुपए पे 800 रुपए का टैग लगा के, तो ये एमआरपी पे लाने का मतलब है कि वो एमआरपी रियलिस्टिक वैल्यू हो, फिर उसके बाद में 300 रुपए का ठप्पा लगेगा। क्या करप्शन कंट्रोल किया जा सकता है? इसलिए लगेगा कि 18% इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर 10 डिपार्टमेंट से आप डील करते थे और अब 1 डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से करप्शन को क्योंकि करा नहीं होगा। नहीं, मैं तो व्यापारियों समझता हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ आपको, मैं भी जरा कुछ जानता हूँ। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी, जीएसटी में कौन शामिल नहीं होगा, किस स्टेट को हम जो है कंपनसेट करेंगे
अब सब देखिए 31 तो वैसे ही हो गए, अगर मानो एक व्यापारी आप जैसा व्यापारी है वो ऑल इंडिया का व्यापारी करता तो 31 जगह तो वैसे ही उसको फफूंद करनी पड़ेगी, अब सब जीएसटी अलग होगी। अब जिसमें देखिए क्या है, टीथिंग प्रॉब्लम तो आएंगी लेकिन 15 राज्य पास कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा पूरे देश के अंदर, ये पक्की बात है। लोकसभा राज्यसभा पास कर चुकी है तो लगता है कि दोबारा बीजेपी में सहमति है तो मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद लागू होने के बाद निश्चित रूप से आपको ऑक्ट्राई बॉम्बे सामान आप भेजो ऑक्ट्राई देना पड़ता है, वहाँ पे वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। आज की तारीख के अंदर बहुत सारी चीज़ों में आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो वहाँ पे 15% 12% आपका वैट लगता है, उसके बाद सर्विस टैक्स लगता है, लग्जरी टैक्स लगता है, तो शायद आप 30% लेकिन आप भी कह रहे हैं कि रेस्तरा जोर महंगे हो जाएंगे, नहीं सस्ते हो जाएंगे, वो 18% जब लगेगा सस्ते हो जाएंगे, आज की तारीख को आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। चलिए कृष्णा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको सुन के ब्रेक लेंगे। पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब, ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, इन बिलों से तो मुझे एक ही बात नजर आ रही है और तो कुछ नहीं, उद्योगपतियों के वारे न्यारे हो जाने हैं नंबर एक। नंबर दो पारिक साहब, नीचे जो गरीब आदमी थोड़ा बहुत जो गुजारा कर रहा था ना खा पी के, और ये तो मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से समझ पा रहा हूँ कि जीएसटी होती क्या चीज है, उन अनपढ़ आदमियों के तो वो भी जीना हराम होने वाला पारिक साहब, ये बम फूटेगा और वो गरीब आदमी जो चलिए इसको जो कैसे मेंटेन किया जाएगा, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, ब्रेक लेते हैं लौटते हैं तुरंत चर्चा में। महंगाई पर नियंत्रण ना तो आज हुआ है ना कल हो पाएगा, एक सगुफा है जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हैं सब भ्रष्ट बैठे हैं और इससे कानून बनाए, कानून तो पहले भी इतने मजबूत थे परंतु जब तक ये सरकार का अंकुश इन अधिकारियों पे नहीं लगेगा, जब तक इनकी मनमानी खत्म नहीं होगी, जब तक कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती है, क्योंकि इन जगह हर जगह दलाली का धंधा कर रहे हैं ये लोग, हर जगह मनमानी कर रहे हैं, हर जगह पैसा लेके सारे काम करवा रहे हैं सर।